जगह ही रहने वाला है। यही तो सोच रहे कि ये जगह कभी सोच ही नहीं सकता कि कोई यहाँ चोरी भी हो सकती है क्या। कोई वही तो अंकल जी मैं कुछ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। बोल के गए कि आप चेक करके लिस्ट बना के दो। ये कहाँ पढ़ा था जब आए पाए तो क्या देखा आपने? मैं आई तो मेरे को घर पे आए थे नंद के लड़के, इन्होंने देखा होगा आस पड़ोस वालों ने। ये चीज बाहर की पड़ी है मेरे पास। पहली बार हुआ था एक मिनट अंकल मई रखो सारी सब चीज आप जो चीज जा रखी ना। चोरों ने अच्छा अंदर का लॉकर भी टूटा हुआ ना। ये गुजर धरती है, गुजर धरती नगर अजमेर के मैं रहने वाली हूँ और यहाँ पर मैं रात को शाम को या मम्मी के गई मई मतलब ताला लगा हुआ था और यहाँ पर मैं आके सुबह देखा है। सुबह पड़ोसियों ने मुझे बोला कि घर के ताले टूटे पड़े, आके देखा है तो पूरा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, पूरी अलमारी के सारे लॉकर पूरी अलमारी को बुरी तरह से तोड़ रखा है और उसमें मेरे कम से कम कितनी 1.5-2 लाख की तो मेरी ज्वेलरी और मेरे सारे पैसे वगैरह सारे इसके अंदर से चले गए और सारा सामान बहुत बुरी तरह से बिगाड़ के गए, सब सारे ताले वाले सब तोड़ रखे हैं उन्होंने। पैसे भी मेरे 1.5-2 लाख तो पैसे होंगे और 1.5-2 लाख की ज्वेलरी होगी मेरी। पुलिस में शिकायत दी है, अभी उसमें जाकर आए थे पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला किसी चीज के हाथ मत लगाना और लिस्ट बना के देने के लिए बोल के गए, अभी जाके जाना है। ज्वेलरी में मेरे गले का था, हार कान वान के थे, हाथ के थे और बस यही चीजें थी ज्यादातर। मम्मी के गई हुई थी रात को, कल मम्मी ड्यूटी से वहीं पे चली गई थी तो बच्चे ने बोला था मम्मी यहीं रुक जाओ तो मैं मम्मी के वहीं रुक गई थी। अभी सुबह उठी बस नहा ही दी थी इतने में वहाँ से पता चला दीदी का लड़का आया बताने की, बोले ना आपके तो ऐसे ऐसा हो गया। और मेरा नाम सुनीता वाइफ ऑफ हरि सिंह। हाँ सर जी, हाँ यहाँ पे मैं क्षेत्रवासी हूँ गुजर धरती और यहाँ पे ये वारदात पहली बार हुई है। यहाँ पे चोरी की वारदात इससे पहले कभी नहीं हुई, ये दर्दनाक घटना है यहाँ पर। और ना यहाँ पे मतलब लोग बागों का आना जाना उठना बैठना हमेशा रहता है, क्या लोग बाग रात में भी जगे रहते हैं, फिर उसके बावजूद भी मतलब ये घटना हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ की जो महिला थी वो घर पर नहीं थी, घर पर नहीं होने के कारण ये मतलब हादसा हुआ है यहाँ पर। और करीब क्या मानते पुलिस की गश्त नहीं रहती? हाँ पुलिस की गश्त तो कोई रहती नहीं है यहाँ पर किसी तरह की। पुलिस वाले सिर्फ अभी आए और मुआयना करके चले गए, ये ऐसा। और ऐसी घटना भी कभी नहीं हुई, हम प्रशासन से यही चाहते हैं। हाँ यहाँ पर असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, शराबी अदाबी मतलब आना जाना बना रहता है। तो आप लोगों का जब इनके चोरी हुई है तो जी जब इनके चोरी हुई है तो किस तरह का आप लोगों में डर बना हुआ है? डर बना हुआ है कि और घटना भी हो सकती है यहाँ पे, किसी तरह की और वारदात को अंजाम दिया जा सकता है क्या, तो ऐसा नहीं हो। प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है कि इस पर ध्यान देकर मतलब। हाँ मेरा नाम रमेश जगरवाल है, मैं यहाँ का क्षेत्रवासी हूँ। ठीक है हाँ।